हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर सेकंड टर्म सिलेबस फ्रॉम द चैप्टर 4 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ, डे नाइट एंड सीजन, दिन रात और मौसम। लेट्स स्टार्ट। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द अर्थ इज कंटिन्यूसली स्पिनिंग ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है अपनी काल्पनिक धुरी के ऊपर लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स। अपना यह एक चक्कर ये 24 घंटे में पूरा करती है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। पृथ्वी की इस गति को हम कहते हैं परिभ्रमण। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर एक निश्चित रास्ते में चक्कर लगाती है जिसे जाना जाता है ऑर्बिट यानी कक्ष के नाम से। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 days विच मेक्स 1 year। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर पूरा करती है 365 1/4 दिनों में जिससे एक साल बनता है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी की इस गति को हम कहते हैं परिचक्रण। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड टू वन साइड। पृथ्वी की जो धुरी है वो लंबवत नहीं है लेकिन एक तरफ झुकी हुई है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 degrees फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। ये जो दूरी है ये बनाती है 23.5 degrees का कोण लंबवत लाइन से। इन अदर वर्ड द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degrees विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी की जो दूरी है वो 66.5 degrees का कोण बनाती है अपने कक्षीय समतल स्थान से। दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। पृथ्वी की धुरी का जो ये झुकाव है उसे जाना जाता है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के रूप में। नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेस डे एंड नाइट। अब हम ये जानते हैं कि कैसे पृथ्वी का जो रोटेशन है उससे दिन और रात बनते हैं। Before moving ahead, we shall understand Earth and its axis. Let's start. देखो बेटा, ये हो गई Earth और फिर ये है इसकी एक धुरी, यह है एक्सिस। ये लंबवत नहीं है, सीधी नहीं है, ऐसे ये झुकी हुई है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, क्योंकि ये टिल्ट है, लंबवत नहीं है। अब इस लंबवत लाइन से, यहाँ से जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन लगेगी, तो वहाँ से जो अर्थ है का जो ये एक्सिस है ये कोण बनाती है 23.5 degrees का। अगर दूसरे उसमें से कहें, यहाँ से लेकर ये जो एक्सिस है 66.5 degrees का कोण बनाती है, यहाँ से 66.5 degrees का और यहाँ से लंबवत लाइन से 23.5 degrees का। अब आता है इसमें ये हो गए, अभी इनको जब इसी लाइन के अकॉर्डिंग, ये तो हो गई हमारी काल्पनिक वैसे लाइन लगाई है, तो यहाँ से जब हम लेंगे इसकी तो ऐसे करेंगे क्योंकि पृथ्वी टिल्ट है तो इसकी लाइनें फिर ऐसे लग जाती है ना। ये हो गए इक्वेटर, 0 degrees पर हो गई इक्वेटर, फिर यहाँ से 23.5 degrees, ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही नीचे 23.5 degrees पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर ये हो गई 66.5 degrees पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये फिर हमारी अदर लाइन लगती है। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का कैसे रोटेशन होता है और उससे कैसे दिन और रात बनते हैं।
द अर्थ फेसिस द सन व्हाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जब पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो अर्थ का सूरज के सामने भी आना होता है, यानी जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो उसका फेस बिल्कुल सूरज के सामने आता है. ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट टर्न बाय टर्न. पृथ्वी का हर एक पार्ट जो सूरज के बिल्कुल सामने आता है वो सूरज की रोशनी से चमक उठता है बारी बारी से. द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसिस द सन हैज डे व्हाइल द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज नॉट फेसिंग द सन एक्सपीरियंस नाइट. पृथ्वी का प्रकाशित भाग जो बिल्कुल सूरज के सामने होता है वो तो हो जाता है दिन, और जो दूसरा भाग जो सूरज के सामने नहीं होता, सूरज की रोशनी जहाँ पर नहीं पहुँचती वहाँ पर हो जाता है नाइट, रात. अब हम इसे ऐसे समझते हैं, ये हो गया हमारा सन और ये हो गई अर्थ. अब अर्थ जो है घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे रोटेट करती है यूँ. तो जब ये रोटेट करती है तो जो पार्ट बिल्कुल सूरज के सामने आएगा, जहाँ पर बिल्कुल सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ तो हो गया दिन, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ पर हो गई रात, नाइट. यानी जब पृथ्वी घूमती रहती है तो जो हिस्सा बिल्कुल सूरज के सामने आता है वहाँ तो हो जाता है दिन, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पर हो जाती है रात. नेक्स्ट.